सभी भाइयों को नमस्कार, सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर। दोस्तों, वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को एक से काफ़ी शानदार मुर्रा पशुधन आप लोगों को दिखाने का जो प्रयास है जी रहता है, और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी, मैं बताना चाहूँगा जी काफ़ी जानी मानी जो जगह हैं, और आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी किसान डेयरी फार्म से। जैसे कि हम सब जानते हैं, किसान डेयरी फार्म पे हमें जितना भी पशुधन जो हमें देखने को मिलता है जी, बाकड़ी भैंसे हो या फिर हम बात करें जी ताज़ा भैंसे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप लोगों को एड्रेस है वो बताना चाहूँगा जी, गाँव है जी भाई का मदीना, ज़िला लगता है जी रोहतक और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों को काफ़ी अच्छी दूध लाइन की जो कि बाकड़ी भैंस है वो आपको देखने को मिलेगी जी, और एक दूध वाली जो कि चेक पास बाकड़ी जोटी है वो भी आज की वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मिलवाना चाहिए भाई से, और जो आगे की जो डिटेल्स है वो भाई से लेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते सर, ठीक हो भाई? बढ़िया जी, आप बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई जी। काम कैसा चल रहा है भाई साहब? बस आप लोगों का प्यार प्रेम ऊपर लगा साथ है। बहुत अच्छी बात है जी। तो आज दो हैं भाई साहब पशुधन? सर थे तो चार भाई, दो चले गए, दो रह रहे हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं जो पहले नंबर पे जो जोटी खड़ी है, क्या कुछ डिटेल्स है भाई? साहिल भाई ये चौथी बार काविंग करेगी। चौथी बार काविंग करेगी? हाँ, चला लो चाहे इसने तीसरा में। ठीक है जी, पर जेन्युइन है वो, इसका आपकी बार चौथा ब्याह। ठीक है जी। रही बात भैंस की, हाँ तो जी, कैमरा एक बार आप दिखाओ, खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि देखने वाले आजकल बहुत अवेयर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो देखिए जी, चौथे लैक्टेशन में काविंग करेगी, और जैसे कि भाई साहब ने बता दिया कि कहने को तो आज भी जो कि इसको तीसरे ब्यात में है वो कह सकते हैं। बाकी जिस प्रकार की जो इसकी चमड़ी है जी, बिल्कुल कागज़ की तरह बिल्कुल बारीक जो चमड़ी है, और फेस वैल्यू की अगर हम बात करें जी, बिल्कुल जो छोटा जो सींग है जी चेहरे मोरे पे बिल्कुल जचता हुआ वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दूध की क्या कुछ रिपोर्ट रही है भाई सजनी? सर भाई देखो, बताने को और किसी का बताया जाता है, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में उन भाई को बुलाऊंगा। अच्छा जी, 22.5 से 23 किलो दूध पीक पे रहा है। अच्छा जी, अंदाजा यहाँ से लगा लो 7.5 के करीब प्रेगनेंट है ये। अच्छा जी, अभी भी 5 से 6 kg दूध इसमें, 5 से 6 kg अभी भी दे रही है। हाँ, ये देख सकते हैं जी, 7 से प्लस की जो कि चेक पास गैबिन है, और अभी भी जो कि मौके पे जो दूध है वो दे रही है। बाकी शरीर की बात करें, वजन की इसकी बात करें जी, काफ़ी भारी भरकम शरीर की, और आज भी जो कि मौके पे दूध है वो दे रही है। साथ में बच्चा वगैरह भी? नहीं, बच्चा नहीं है साहिल, सबसे बड़ी बात आती है साहिल बॉडी स्ट्रक्चर की। बिल्कुल जी, भैंस की पूंछ से लग जाओ, सींग तक चले जाओ। बिल्कुल जी, और इतनी चौड़ी पीठ रेयर आती है भाई। बिल्कुल, और खाली पीठ ही नहीं है, गर्दन तक जाओगे सींग देखोगे। बिल्कुल जी, बराबर सींग, कोई माथे में लगने वाला नहीं है। बिल्कुल जी। और रही बात दूध की, भैंस बता देगी, हमारे कहने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जी। तो नीचे से जो अडर की जो गुलजटे हैं वो आप इसकी देख सकते हैं, और साइड से अगर हम दिखाएं जी, ये देख सकते हैं जी, काफ़ी जो थन है काफ़ी मजबूत है, वो अभी फिलहाल मौके पे लगे हुए हैं जी पशुधन में, और 22.5 किलो जो दूध की जो जोटी है, कहने का नहीं है सकते हैं। जो भाई आएगा ना, बात करवा के तसल्ली करवा के जब भैंस को दूंगा। अच्छा जी, हाँ ठीक है, क्योंकि आई थिंक 4-5 वैसे हैं जो आपकी वीडियो से दी गई थी। अच्छा जी, पिछले सेशन में तो उन भाइयों का भी अभी फीडबैक चल रहा है। अच्छा जी, सारे 19++ है। सही बात है, नॉर्मल डाइट में देखिए फीडबैक लेना, क्योंकि पता है साल क्या बात है, कई बार बोल देते कि इतनी बेची थी, सिर्फ 5 नहीं दिया, 5 वो जो मेरे सामने है। अच्छा जी, ठीक है। और रही बात इन भैंसों की, जहाँ जाएंगी हर भैंस की पूरी प्रॉपर डिटेल मेरे पास है भाई। ठीक है जी। जिस टाइम काविंग करेंगे तब भी पूछेंगे, अगर अगला देगा तो लेंगे भाई। ठीक है। दो पैसे के मार्जिन के लिए लेके आए थे, लेकिन ये नहीं कि पूरी भैंस की बचत हमें चाहिए। तो लगभग आज कितने दिन की गैप बिन हो चुकी है साहिल भाई? 7 से ऊपर 7.5 के करीब है। 7.5 के करीब आप यहाँ पे 7.25 महीने की मान सकते हैं साहिल? लिखित में दे दूंगा भाई, है 7.5 की, 7 महीने कोई भाई लिखवा के ले ले। सबसे बड़ी बात ये, अपना डॉक्टर लाए, चेक कराए। ठीक है जी। अगर मेरे विश्वास पे लेके जा रहा है तो कॉपी में डेट लिख देगा, आगे पीछे होगी तो जिम्मेवारी ले सकते हैं, और क्या करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन भैंस का अपना रूप है साहिल, ये छोड़ दो। बिल्कुल आई है, आते हुए पशु का स्वभाव आपको पता, आप भी काम करते हो, फील्ड में रहते हो, कहीं से कुछ छेड़ ले ले। बिल्कुल जी, स्वभाव आप ये देख सकते हैं जी पशुधन बाखड़ी भैंस, यार 8 महीने। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसको आप कहीं से भी कैसे भी छेड़ लो, और वेंस बाखड़ेपन में तो दिखाई देंगे नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। नीचे का पोजीशन ऐसा है, आध भैंस निकाल के आएगी। अच्छा जी भाई, और स्वभाव का ये है, उसके भी वीडियो बनवा रहे हैं, ये खुली खड़ी है। बिल्कुल, बंद नहीं भी नहीं भाई, पूरी वीडियो। तो कितना टाइम हो गया अपने पास आए हुए साहिल भाई? ये आई थी
कल शाम को, कल शाम को आई थी मेरे पास, ठीक है। और फिर गाड़ी वाले से बात करके उसके घर पे उतार दी थी। अच्छा जी, डेयरी पे आज सुबह पहुंची है ये। तो देखिए जी, आज ही नई जगह पे आई है, बिल्कुल गर्भ बरगा जो इसको यहाँ पे फील है वो हो रहा है जी। लगभग मान सकते हैं कि लगभग ये मान के चलो काफी महीने से यही हूँ इस प्रकार से, जो कि यहाँ पे जो अपना पशु जल्दी सेट हो जाता है साहिल। बिल्कुल बिल्कुल, जो पशु आते गुल मिल जाएगा ना, दाना उठा लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं होता। 100 रुपया खर्चा है, जिसमें लेबर का भी आता है, बिल्कुल खुद की मजदूरी भी आती है। अब कई भाई बोल देते हैं कि सबका रेट बता दे, तो आज मौके का, उसका कारण है भाई, क्योंकि एक अच्छी लागत लगा के लिए। पिछली वीडियो आपने बनाई थी, मेरे पास 2 जोटी अच्छी कीमत की थी, बिल्कुल जी, और मैंने बोला था कोई 1.25 लाख नहीं है, कोई 1.5 लाख नहीं है। आपके आंखों के सामने बिकी थी, 1,12,000 की एक बिकी थी और 1,02,000 की एक बिकी थी। बिल्कुल जी, यही थे बंदे, कोई मैंने 1.25 लाख का मोल नहीं किया। मांगने वाला ही मोल करते हैं, कोई घटाने वाला नहीं होता। फिर भी आप चाहते हो कि आज रेट ही करें, तो 1,10,000 रुपए कीमत रख दी भाई। 1,10,000 रुपए की आज की कीमत, आज की कीमत है साल 2.5 महीने बहने के रह रहे हैं भाई, ठीक है जी। और 2.5 महीने की क्या कह देंगे भाई, ठीक है जी, अपनी पास करा ले, क्योंकि पास करवा जाती है 2 बार। बिल्कुल जी, एक होती है डॉक्टरी की, एक होती है जो अपने वहां से जो एक्सपीरियंस होल्डर बंदा जो खुद होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो उसके अनुमान से 7.5 महीने की है। रही बात ओनर की, ओनर से कंफर्म करवा के देंगे, खाली कहने की नहीं है भाई। अच्छा, क्योंकि बहस है, सास का धंधा है, क्या पता है बहस पे 8 दे दे और 1 पे निकाल दे 24, इनका कोई कुछ कह नहीं सकता, काली माई है भाई। अब कई भाई बोलने भी नहीं, इतने में ताजी आया जी, ताजी आज के टाइम में इस बजट में 10 किलो दूध की नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात है। और ये वैसे वो हो भाई जो आगे जाके कहीं ना कहीं खड़े करेंगे तो 2 पैसे दिलाएंगे। बिल्कुल जी, रुतबा जो जिस प्रकार का खड़े होने का है, जो शरीर के जो रुतबे के और मिल्क के पैसे हैं, अर्निंग दूध से होनी है, दूध नहीं हो तो क्या करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और रुतबे का ही वजह होता है, एक आदमी 100 रुपए के कपड़े में भी खुश है घर पे सिलवा के, और एक 10,000 में भी खुश नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रुतबा रुतबा होता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, और वो डिपेंड भी अगले की बॉडी स्ट्रक्चर पे करता है, किसा कैसा पहना, कैसा उसके ऊपर जच रहा है, वही बात इसकी आती है। बिल्कुल, इसका शरीर गठीला है, ठीक है, हर एंगल में अच्छी है। बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। लेने वाले का मुकद्दर, हम तो बेस्ट विशेस देंगे कि भाई क्या पता कल को हमें ही लेनी पड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पर उसको देने से पहले मैंने तो लागत लगाई है ना, मेरी संतुष्टि हुई, मैंने तब बैस खरीदी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, तो देखिए 1,10,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी मौके पे। 4 से 5 किलो जो दूध है आज भी फिलहाल मौके पे दे रही है, और बिल्कुल ठंडे स्वभाव का जो पशुधन, भले ही दूध 1-1.5 किलो कम दे दे, साल देगी नहीं भाई, जाने के बाद दूध नहीं देगी। बाकी वही बात है, मैं तो ये कह के दूंगा कि ड्राई है। बिल्कुल, लैक्टेशन में भाई साहिल भाई 6 दांत में पहले बैच में, फर्स्ट लैक्टेशन में दांतों में 6, ठीक है। और रंग देखना भी जोटी का साहिल, बिल्कुल जी, नीचे कटड़ी है, 7 में कटड़ी है, और 6 महीने की प्लस आप भी वीडियो कवर करते हो, कितना दूध बच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ब्याज के ऊपर आ गया, आज भी 7-8 किलो दूध है, 7 से 8 किलो जो दूध अभी भी मौके पे है, फर्स्ट लैक्टेशन की है। हाँ, और बात करेंगे जी साइज की, बाकी सेकंड भी हो साइज, लेकिन जो अपने पास रिपोर्ट वो पहले ब्याज की आई। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक बार बैस नहीं लगी भाई पकड़ेगा। साइज क्वालिटी आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं जी, और हर मामले में बेजोड़ है साइज, कलर कलर नहीं, आके थोड़ी चरी नहीं है जोटी, नहीं तो ऑर्डर तो ये मानना जो आज भी ताजा जितना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, छोटे जो सींग, गर्दन की लंबाई काफी बेजोड़, पीठ पुट्ठा है वो आप इसका देख सकते हैं, टैल में कुछ ही बाल व्हाइट, बाकी जो टैल पूरी की पूरी ब्लैक, फर्स्ट एमर जोटी, दांतों में 6 दांत, 7वें फीमेल काफ मौके पे, जो कि 7 से 8 किलो जो दूध अभी भी फिलहाल मौके पे दे रही है। और सबसे प्लस पॉइंट की अगर हम बात करें, 7वें इसके जो कि आपको फीमेल काफ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और करेक्टर्स वाइज है जी जोटी आज की डेट में कहीं से भी जो कि माइनस पॉइंट वो इसमें नहीं है। तो चुवाई वगैरह की भाई, चुवाई दिखा देंगे साहिल क्या बात, ठीक है जी, चुवाई वगैरह की भी काफी साफ सुथरी है, वो बच्चे के बिना रुकती नहीं। बिल्कुल अब भी इतना है जैसा ताजी जितना, ठीक है। तो इसका रेट भाई साहब, सेल भाई 1,05,000 की सेल करनी है, 1,05,000 रुपये, हाँ ठीक है। अब ये देख लो भी साहिल मार्क का, 1,05,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी, और ज्यादा तो कहूंगा नहीं साहिल, किलो 2 किलो दूध बढ़ा सकती है। अच्छा जी, हाँ ठीक है, तो भाई तेल पानी हो जाता है ना पशु का। सजन ये और बताओ, ताजी ब्याई हुई कि क्या कुछ रिपोर्ट, 15.5 किलो 16 किलो दूध दे रखा है साहिल। अच्छा जी, बाकी कहन मापन कोई फर्क ना पड़ता। हाँ हाँ। जो पशु इतना लंबा ब्याने होने के बाद भी अगर 8 किलो दूध ले रहा है वो तो खुद ही बता देगा अपनी कहने की जरूरत के। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात। रही बात आपकी, अभी मिल्किंग करवा के थोड़ी क्लिक जुड़वा दूंगा, ठीक है जी। हाँ, तो देखिए कटड़ी साथ में जाएगी भाई साहिल, मैं नहीं रखूंगा, ठीक है जी। कई भाई बोल देते कि पैसे लग रहे, कटड़ी के बगैर ये दूध देगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो देखिए 1,05,000 रुपये इसकी कॉस्ट रखी है जी। सेल करने को वही बात आ जाती है, रेट फिर वीडियो में देखा उस तो 19 नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी, और ऑनलाइन जागी चुवाई की जिम्मेदारी, गबन की जिम्मेवारी, ठीक है जी। तो देखिए जी, ये पशुधन भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है। सराफत का तो साहिल हर डांगर अपना ऐसा मिल रहा है, कहने की जरूरत को नहीं। आग ऊपर खोटा डांगर कर दे, पर अपाया कवांगे अपनी आकर देख ले, ठीक है जी।
तो भाई के पास फिलहाल बिक्री के लिए उपलब्ध है जी। कोई भी पशुपालक भाई किसी भी प्रकार की डिटेल्स लेना चाहते हैं तो भाई से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जी। रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे नंबर है। आशा करेंगे आज की जो हमारी कवरेज है किसान डेयरी फार्म से आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। फिर मिलेंगे जी किसी किसान के घर।